पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम अपने इंस्टाग्राम पेज को सेटअप कर सकते हो, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इंस्टाग्राम मोटिवेशनल पेज के लिए मोटिवेशनल रील्स प्लस कोट्स फाइंड करोगे। तो चले लेट्स गो। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट रील्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला कि एक ही जगह पे तुम्हें सारा का सारा मटेरियल मिल जाए। तुम्हें अलग अलग रील के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, और जो मेरे पर्सनली सोर्सेज हैं रील्स प्लस कोर्स के लिए वो सारे के सारे तुम्हारे साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे तुम अपने इंस्टाग्राम के लिए कोर्स माइंड करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें चले जाना होगा अपने इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज में, एंड यहाँ पे तुम्हें काफी सारी मोटिवेशनल लाइंस मिल जाएंगी जिनको तुम यूज करके अपनी मोटिवेशनल रील्स को बना सकते हो। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशनल कोर्स ही हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम्हें पता है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद तुम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहला सोर्स हमारा यही रहता है, विच इज इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज। यहाँ पे तुम्हें काफी सारे कोर्स मिल जाएंगे। कोर्स फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका, तुम्हें क्या करना होगा, अपने सर्च बार में चले जाना होगा और यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना होगा मोटिवेशनल कोर्स एंड देन सर्च, और तुम्हारे सामने काफी सारी मोटिवेशनल लाइंस तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी। तुम इनको यूज करके अपनी मोटिवेशनल रील्स को बना सकते हो। एंड अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो इजिली मोटिवेशनल सर्च करके इसके आगे लिख लेना होगा कोर्स एंड देन गो टू टैग्स। तुम इन टैग्स की हेल्प से भी अपनी मोटिवेशनल लाइंस को फाइंड कर सकते हो। तुम्हें काफी सारी यहाँ पे लाइंस दिख जाएंगी। एंड अब मैं तुम्हें एक और तरीका बता देता हूँ, जब मुझे इंस्टाग्राम पर कोई भी मोटिवेशनल कोर्स ना मिले तो मैं इजिली क्या करता हूँ, गूगल पे चले जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इजिली सर्च करता हूँ मोटिवेशनल कोर्स, एंड यहाँ पे तुम्हारे सामने काफी सारे आर्टिकल शो हो जाएंगे। अदरवाइज गो टू इमेजेस, एंड यहाँ पे भी तुम्हें काफी सारे मोटिवेशनल लाइंस नजर आ जाएंगी। एंड यहाँ पे या तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज तुम इसको लिख के रख लो। तो अब बात कर लेते हैं आखिर तुम अपनी रील्स को कैसे फाइंड करोगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मेथड की तरफ। बेसिकली ये मेथड नहीं रहेगा, ऐसे रैंडमली हम बैठ जाते हैं जब रील्स वाइब अप करने, तो उनमें से भी तुम्हें कई सारी रील्स मिल जाती हैं। दिमाग तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ही रील्स वगैरह देख रहे हो तो तुम्हारे सामने कोई ऐसी रील आ जाती है जिस पर तुम्हें लगता है कि हाँ इस रील पर मैं कोट लिख सकता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे तुम्हें रील तो मिल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर तुम कोट आखिर कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें रील्स की भावनाओं को समझना होगा कि इस रील में आखिर दर्शाया क्या गया है, इसमें रिजल्ट आखिर क्या है। तुम देख ही सकते हो ये लग्जरी कार्स, तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद इस बंदे ने इन कार्स को अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले तुम जा सकते हो अपने सर्च बार में, एंड एक्सप्लोर पेज में ही तुम्हें काफी सारे कोट्स दिख जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे ही कोई कोट दिख जाता है तो सही बात है, तुम इजिली यहाँ से कोट को उठा के अपनी रील के ऊपर पेश करके बना सकते हो। अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे भी कोई कोड नहीं मिलता तो इजिली तुम जा सकते हो गूगल पे एंड वहां से कोड उठा करके अपनी रील के ऊपर चिपका सकते हो। नाउ गो स्ट्रेट ओवर सेकंड मेथड। तो तुम्हें करना क्या है, कोई भी मोटिवेशनल पेज के ऊपर चले जाना होगा और उसकी रील्स वगैरह देखनी है इजिली, और उसके बाद तुम्हें अगर कोई अच्छी रील लग भी जाती है और तुम्हें उसकी बैकग्राउंड वीडियो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके कैप्शन में चले जाना होगा। कई सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं कि जिसकी वो वीडियो रहती है उसको वो मेंशन कर रखते हैं अपने कैप्शन में, तो तुम्हें उस बंदे के कैप्शन को जरूर से फाइंड करना है। एंड अगर तुम्हें वहां पे यूजर नहीं मिल जाता है तो इजिली तुम उसके अकाउंट पर जा करके उस रील को डाउनलोड करके अपने खुद के टेक्स्ट चिपका करके अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज तुम उस वीडियो के कमेंट्स में जाओ, क्या पता उस क्रिएटर को पिन किया हो इन द कमेंट, तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने मेथड नंबर 3 की तरफ, और ये सारे सारे मेथड्स मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को किसी ने बताया नहीं है। जो मैं अपनी रील्स को फाइंड करते समय करता हूँ वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब होगा क्या कि तुम रील्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने एक रैंडम रील आ गई जिसके ऊपर तुम्हें कोट्स काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, और तुम्हारे मन ही मन में एक कहानी तैयार हो चुकी होगी कि मैं भी इस टाइप की रील बना सकता हूं। तो इजीली तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे एक तो सैड फेस वाली वीडियो चाहिए और दूसरी चाहिए कार वगैरह की वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हें सर्च कर लेना होगा ऑन इंस्टाग्राम, अगर तुम्हें यहाँ पे वीडियो मिल जाती है तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज तुम जा सकते हो गूगल पे एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च करना होगा pexel.com एंड देन यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो सैड एंड देन गो टू वीडियोस, और यहाँ पे तुम्हें फिल्टर्स में चले जाना होगा एंड देन गो टू ऑल ओरिजिनल्स एंड देन सेलेक्ट वर्टिकल, क्योंकि तुम्हारी रील का साइज रहता है वर्टिकल। तो यहाँ पे तुम्हें जितनी भी सैड वीडियोस रहेंगी ना, तो अगर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कार्स, तो तुम्हारे सामने कार्स की भी काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तुम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रील में चिपका सकते हो। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी वीडियोस नहीं मिलती हैं तो इजिली तुम्हें चले जाना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो, कोई भी कार का नाम लिख लो और यहाँ पे भी तुम्हें काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी।
लाइक किए। तो मेथड नंबर फोर्थ, होता क्या है कि कभी कभार तुम्हें इस तरह की वीडियो भी मिल जाती है जिसमें टेक्स्ट और स्पीच दोनों इक्वल रहती है। यहाँ पे बंदा बोल रहा होता है और उसके टेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इस तरह की वीडियोज आखिर तुम्हें कैसे चाहिए? बेसिकली तुम्हें अगर यही वीडियो चाहिए कि हाँ मुझे भी यही वीडियो चाहिए और मैं इसके ऊपर और अच्छे से टेक्स्ट लिखकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, जो भी उस बंदे ने बोला है उसकी फर्स्ट लाइन तुम्हें यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेनी होगी और तुम्हारे सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तुम्हें उसकी ओरिजिनल वीडियो को फाइंड कर लेना होगा, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। देन उसको एडिट करने के बाद, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद अपलोड कर डालो ऑन योर इंस्टाग्राम पेज। इन शॉर्ट टर्म मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, सेकेंड मेरा रहता है सर्च बाय हैशटैग, थर्ड मेरा रहता है pexel.com और फोर्थ मेरा रहता है खुद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर मैं स्वाइप अप करते रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे को कोई रील मिल ही जाती है जिसके ऊपर मैं अपने दिमाग से टेक्स्ट ऐड करके उसको अपलोड करवाऊँ। बेसिकली आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि रील प्लस कोड को फाइंड करने के बाद आखिर हम अपनी रील को एडिट कैसे करें, कौन से टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, मतलब ओवरऑल एडिट कैसे करें एंड रील को अपलोड करने का सही तरीका भी बताऊंगा, हैशटैग वगैरह कैसे अप्लाई करें, सब कुछ अगली वीडियो में रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुमने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब तुम्हें कर ही लेना चाहिए क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो ओके, बाय।